मेरी माटी मेरा देश एक मुहिम भाजपा के लोग चला रहे हैं और सीधे तौर पे हम आ गए हैं राघवेंद्र चौबे जो महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस से जुड़े हैं। ये बताइए जिस तरीके से मेरी माटी मेरा देश ये मुहिम चला रहे हैं लोग, भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि ये लोग जोड़कर और जो चाहते हैं यानी चुनाव के अच्छे परिणाम हो, क्या कुछ इनको अच्छी सफलता मिल पाएगी? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप एक क्रांतिकारियों को नमन कर रहे हैं जो देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं, घर घर जा रहे हैं, थोड़ी मिट्टी और थोड़ा चावल मांग रहे हैं। और जहाँ तक सैनिकों की बात है, तो सैनिक तो इस देश का सैनिक, इनसे तो हिमाचल चुनाव के पहले ही इनको प्रणाम करके इनसे दूरी बना ली थी। जब सैनिकों के साथ वंग रैंक पेंशन के साथ खड़े होने की ज़रूरत थी तो मोदी जी अगल बगल करके निकल गए। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसके बाद रक्षा बजट में भी कटौती हुई। और जहाँ तक इनके इस इवेंट का मामला है, जब देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, उनकी विचारधारा से जुड़े लोग क्या कर रहे थे पूरे देश के नागरिक जानते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं। और जब वाकई में इस देश को ज़रूरत थी अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने की, तो ये अंग्रेज़ों के साथ बैठ करके इनके नेता, इनके विचारधारा के पोषक लोग गहबलियाँ खेलते थे। और आज जब लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी जी ने पिछले वर्ष, लगभग एक वर्ष हो गया, भारत जोड़ो यात्रा करके इस देश के गरीब, कमज़ोर, उपेक्षित सभी वर्गों में अपनी लोकप्रियता को स्थापित कर लिया है और लगातार वर्तमान समस्याओं और मुद्दों पे चोट कर रहे हैं, तो इनको जब अपनी दुकान दौरी बंद होती दिख रही है, बनारसी भाषा है, अब इनकी दुकान दौरी बंद हो रही है, देश के नागरिक इनसे सजग हुए। 10 वर्ष दिया और इन्होंने देश को सिवाय भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, आपसी विनष्टता, आपसी तनाव को छोड़ करके इनसे कोई रिटर्न देश ने नहीं पाया। सारे मुद्दों को, वास्तविक मुद्दों को इन्होंने दाग पे रख दिया और सारी चीज़ों को एक, मैं कहता हूँ ना कि जिस चीज़ का शपथ लेकर के इन्होंने देश की बागडोर संभाली थी उसके विपरीत इन्होंने काम किया, अपनी विचारधारा को देश के ऊपर थोपने का काम किया है। और उसी सब जो आज़ादी की लड़ाई में जो पाप इन्होंने किया था उसको धोने के लिए घर घर जा रहे हैं, घर के लोगों से चावल और मिट्टी मांग रहे हैं शहीदों को नमन करने के लिए। अगर वास्तविक रूप से इनके अंदर पीड़ा है, मैं आपको याद दिला दूं, आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया पिछले वर्ष रक्षाबंधन पे, इस देश के लिए शहीद हुए विशाल पांडे के लिए जो इनकी सरकारों ने वायदा किया था, हम इनको वायदा निभाने के लिए हमारा 15 दिन लगातार बनारस के हर चौराहे चट्टी पे हस्ताक्षर अभियान चला था कि उनकी गलियों को आप सुधार दीजिए, उनकी प्रतिमा आप लगा दीजिए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, एक उनकी श्रीमती जी को, उनकी धनपत्नी को नौकरी छोड़ करके कोई सुविधा नहीं मिली है। आज आप उनके शहीद विशाल पांडे की गलियों में घुसने का काम करेंगे तो गलियां बज बजाती हुई मिलेंगी, टूटी फूटी मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ों को, मेरा कहने का ये मतलब, सारी चीज़ों को इवेंट की नज़र से देखते हैं और इवेंट बना रहे हैं, लेकिन इनकी पोल पट्टी अब देश देश के लोगों के सामने खुल चुकी है और जनता इनके झांसे में, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और क्या लगता है जिस तरीके से विभिन्न तरीके के कार्यक्रम चला रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव आने की प्रक्रिया लग रहा है कि उनको अब जल्दी तूल पकड़ना चाहिए, तो इस तरीके कर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि कुछ नया चीज़ कर रहे हैं ये लोग? निश्चित रूप से देखिए, इसी तरह इन्होंने पिछले बार जब इनकी सरकार बनी थी तो घर से लोहा मंगा रहे थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा बनाए, तो प्रतिमा कहाँ जाके बनी? मेड इन चाइना। तो मैं इसलिए इस चीज़ों को बता रहा हूँ कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी कलई खुल चुकी है और ये इनकी विदाई 2024 में तय है और समान विचारधारा, इस देश को प्रगति के ओर ले जाने वाली विचारधाराओं का जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसकी सरकार बनने जा रही है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, देश पुनः विकास के पथ पर चलेगा 2024 से। ठीक है, तो आप
महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे को सुन रहे थे, जिन्होंने जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने जो मुहिम चला रखी है वो आने वाले वक्त में कितना रंग लाएगा देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।